एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? गुड। ओके, तो आज मैं आपके लिए जो एक टॉपिक लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है, और आप लोगों की डिमांड पर ही ये टॉपिक लेके आई हूँ। क्योंकि बहुत से जो लर्नर्स हैं, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि मैम, हम लोगों ने एग्ज़ाम तो देना है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग प्रिपरेशन को कैसे शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, पेपर टू कॉमर्स के लिए कौन सी बुक लें, पेपर वन के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिगिनर्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो लोग दो या तीन बार नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अटैम्प्ट कर चुके हैं, बट कुछ मार्क्स से उनका या तो नेट रह जाता है या कुछ पॉइंट्स से वो जेआरएफ से चूक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी निराश मत होइए। आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ऐसा हो जाता है, बट आपने उनको दोबारा से उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ बुक्स की लिस्ट भी प्रोवाइड की है कि पेपर वन के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी या पेपर टू कॉमर्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो ये होने वाला है। और इसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया था। तो आई होप आपको भी ये जो टिप्स हैं, छोटी छोटी टिप्स जो है मेरी, वो आपको हेल्प करेंगी और आपका भी नेट या जेआरएफ जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, सो लेट्स इम्प्रूव योर सेल्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वीडियो में जो आपके माइंड में कौन कौन से सवाल आते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आते होंगे, जो जनरल क्वेश्चन है, उनको मैंने 5-7 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ठीक है, तो वो मैसेज या वो क्वेश्चन उनके माइंड में कुछ ऐसे ही होते हैं कि मैम, हम पहली बार पेपर दे रहे हैं तो तैयारी कैसे शुरू करेंगे, या फिर मैम, दो या तीन बार पेपर दे दिया है बट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्या करें, या पेपर वन के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, या पेपर टू कॉमर्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या 2 महीने में भी हम यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, या मैम, कितने घंटे पढ़ाई करने से ये नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, या बेस्ट टाइम टेबल क्या रहेगा। मीन्स ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो इन सभी सवालों का जो जवाब है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वीडियो को बीच में कहीं भी। ठीक है, आप ही के भले के लिए है, एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि डिटेल में समझाऊंगी मैं आपको, तो प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, ये कुछ मैंने आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ, कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं, तो इनको आपने अपने माइंड में रखना है हमेशा इनको। ठीक है, तो ये क्या है, ये 5-7 टिप्स हैं। तो फर्स्ट वन है माइंडसेट। ठीक है, उसके बाद है, मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप देखिए आराम से। उसके बाद है अंडरस्टैंड योर सिलेबस, आपने अपना सिलेबस कैसे अंडरस्टैंड करना है। देन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले आपको, तो टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी आपको मैं बताऊँगी। उसके बाद ज़रूरी क्या है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेट की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद है स्टे अपडेटेड, आपको अपडेटेड भी रहना है। मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, आप जस्ट एक बार देख लीजिए। डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, आपने स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, आपने स्मार्ट वर्क करना है, क्लियर। ठीक है, उसके बाद है रिविजन, रिविजन एंड रिविजन, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट जिसको कह सकते हैं ना कि बैकबोन है आपकी प्रिपरेशन की, वो है रिविजन। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन मैं आपको समझाती हूँ। तो माइंडसेट, जैसे ही आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट बना लेना है कि मुझे नेट या जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई करना है। ठीक है, मींस आपने बस एक बार सोच लिया कि मुझे नेट या जेआरएफ चाहिए तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पेपर भर दिया, अब देखते हैं, देख लेते हैं पहले एग्ज़ाम की अच्छा लगता है या क्या होता है। ठीक है, तो देख लेंगे, फिर देखते हैं, एक दो बार, 10 बार आप एग्ज़ाम ही देख ही रहे हो कि कैसा एग्ज़ाम है। ठीक है, वैसा नहीं करना है। अगर आपने एग्ज़ाम में बैठना है तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे हथियार लेके ही मैदान में उतरना है, क्लियर। मीन्स आपने एक माइंडसेट बना लेना है, एकदम मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आपने एफर्ट्स करने हैं। ठीक है, माइंडसेट बन गया आपका कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है, मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है और उसे क्लियर भी करना है, जस्ट मुझे देखने के लिए नहीं जाना है। ठीक है, तभी आप फर्स्ट अटैम्प्ट उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप एक दो बार दे भी चुके हो तभी आप यही सोचिए कि आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, ठीक है, और मुझे ये क्लियर करना है। एक बार आपका माइंड सेट हो गया, एक बार आप बिल्कुल क्लियर हो गए उसके लिए कि मुझे ये क्लियर करना है, तो करना है बस, और कोई ऑप्शन नहीं है।
माइंडसेट बन गया तभी आपकी प्रिपरेशन शुरू होगी। जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा, जितने मर्जी आप टाइम टेबल बना लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए, दीवार पे चिपका लो, टेबल पे चिपका लो, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी आप पेपर वर्क कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका माइंडसेट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, माइंडसेट बन गया, अब उसके बाद आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। अब आपने सोच तो लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, अब करना क्या है, तो आपको सबसे पहले पेपर का जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए कि पेपर क्या है, क्या सिलेबस क्या है उसमें। ठीक है, आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस को जो एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर लेना है। आप मेरी मानिए तो डाउनलोड कर, आप उसको हार्ड फॉर्म में डाउनलोड कीजिए। ठीक है, मीन्स आप कुछ उसको एक हार्ड कॉपी के रूप में डाउनलोड कीजिए जो कि आपकी बुक्स के साथ रहे, आपकी जो स्टडी टेबल पे हमेशा वो आपको दिखता रहे हार्ड फॉर्म में। ठीक है, अगर आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करते हो तो वो आपके फ़ोन में ही रह जाएगा। ठीक है, तो बार बार मीन्स वो आपके सामने रहना चाहिए। आपने उसको डाउनलोड कर लिया, अब आप उसको ध्यान से पढ़िए, थोरली उसको रीड कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या सिस्टम है, कि इसमें दो टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम होता है पेपर वन, दैट इज़ जर्नल पेपर, जो सबके लिए इक्वल होता है, चाहे आप जिस मर्जी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो वो आपको इक्वल ही होगा सभी के लिए। उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, दैट मींस 100 मार्क्स आपके पेपर वन से आएंगे एंड पेपर टू मेरा कॉमर्स था, आप लोगों का भी मे बी कुछ और हो सकता है, मींस जिसमें आपने अपनी मास्टर डिग्री की है वो आपका पेपर टू होता है। ठीक है, तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है वो आपका पेपर टू होगा, मेरा कॉमर्स था तो पेपर टू, जैसे कॉमर्स है तो आपके पेपर टू में से वहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, दैट इज़ 200। अब आपका टोटल पेपर हो गया 300 मार्क्स का। क्लियर, ये आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपने सिलेबस को बिल्कुल क्लियर समझ लिया कि ये सिलेबस है। ठीक है, आपने इसको अच्छे ढंग से देख लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बनाना है, आपने करना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपने एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, तो आपने देखना है कि कितना टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, कितना टाइम बचा हुआ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कि 2 मंथ्स बचे हैं या फिर 3 मंथ्स बचे हैं या पूरे 6 मंथ बचे हैं। अभी आप मान के चलिए हमारे पास 2 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, तो 2 मंथ्स में आपने क्या करना है, 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। और देखिए, जब आप सिलेबस को डिवाइड करोगे, देखो सिलेबस को आप पहले ही पेपर वन और पेपर टू में डिवाइड किए गए हैं और उसको भी फर्दर 10-10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। क्लियर, तो उन यूनिट्स को भी आपने टॉपिक्स में डिवाइड करना है। ठीक है, डेली आपने टारगेट सेट करने हैं, जो डेली आपने टॉपिक पढ़ना है वो सेट करना है। और जब आप टाइम टेबल बना रहे हो, ठीक है, तो आपने पेपर वन और पेपर टू दोनों को साथ में लेकर चलना है, दोनों को इक्वल वेटेज देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे पेपर वन पसंद है तो मुझे पेपर वन ही पढ़ना है, पेपर टू मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, वैसा बिल्कुल नहीं करना, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी आपने। आपने दोनों पेपर्स को एक साथ लेके चलना है। आप अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, जो लोग रात को पढ़ाई करते हैं वो उस हिसाब से बना सकते हैं, जो लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं वो उस हिसाब से। ठीक है, मैं भी आपको एक टाइम टेबल दे सकती हूँ, बट हर किसी का पढ़ने का तरीका, हर किसी का टाइम टेबल जो है वो उसके अपने खुद के हिसाब से अगर बने तो बेस्ट रहता है। अगर आपको अलग से टाइम टेबल का वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी, आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिएगा, तो वो आपको वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, क्योंकि इसमें उसको ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने उसके बाद क्या करना है कि आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस को देखने के बाद आपने अपने जो 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको अपने जो आपको टॉपिक्स का पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो UGC पूछता है या NTA पूछ रहा है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपको लेवल समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें DI आप देख रहे हो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे DI जो है वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है इन कंपैरिजन टू बैंकिंग एग्ज़ाम। ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम की कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा हैवी हायर लेवल का नहीं होता यहाँ पे DI, या फिर जो आपका जो मैथमेटिक्स होता है वो उतने रीजनिंग उतना टफ नहीं होता है। मीन्स आपको लेवल का पता चल जाता है कि कितना हायर लेवल है यहाँ पे। एक बार आपने उसको चेक कर लिया, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस वहाँ से पता लग जाएंगी। आपने जस्ट उसको ट्राई करना है सॉल्व करने की, जो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो वो भी चेक करने हैं कि एक तो राइट ऑप्शन है, तो जो 3 जो वहाँ पे कट हो रहे हैं वो भी आपने चेक करने हैं कि वो क्या है, वो क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहाँ पे आपको वो पता चल जाएगा। और एक बात और है कि यहाँ पे जो
आपने उनको क्यों आपने वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है, क्योंकि जो 1/4 क्वेश्चन है ना वो एंटी रिपीट करता है, वो वहाँ से रिपीट होते हैं, तो हो सकता है आपने वो उन पेपर्स को पढ़ा हो तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 1/4 क्वेश्चन वहीं से आते हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। पूरा पेपर नहीं रिवाइज होता, नहीं वो उसको रिपीट नहीं होता है पूरा पेपर, बट उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। क्लियर, ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद है आपको रखनी है कंसिस्टेंसी। आपने टाइम मैनेज कर लिया, अब आपको पढ़ना भी है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बना लिया, दीवार पे चिपका लिया, हो गया सो गए, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपने टाइम टेबल को कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करना है, ठीक है। आपने डेली स्टडी करना है, डेली जो आपको टारगेट्स बनाए हैं कि अब मैंने पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आज, और शाम के टाइम मैंने पेपर टू हमारा कॉमर्स है उसमें मैंने इंटरनेशनल बिजनेस के ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वो पढ़ने हैं, ठीक है। और देखिए जो पूछते हैं ना कि कितना टाइम पढ़ाई करना चाहिए, मैम 12 या 13 आवर्स पढ़ें या फिर 20-20 आवर्स पढ़ें, कितना आवर्स पढ़ें, देखिए पढ़ाई कभी भी मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो, कि मेरे हिसाब से पढ़ाई आपको टाइम के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। आपको पढ़ाई करनी होगी आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, आपके जो सिलेबस उसके कवरेज के बेसिस पर। आपने टारगेट सेट किया है कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म करना है तो करना है, फिर ये नहीं है कि 2 आवर्स में रखा अब जो बच गया वो कल देखेंगे, नहीं। आपने टारगेट बनाया कि मुझे आज ही ख़त्म करना है तो आपको आज ही ख़त्म करना है, ठीक है। ये नहीं है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, या शादी आ रही है किसी की उसके बाद करेंगे, नहीं, नो एक्सक्यूजेज, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। आपने डिसीजन ले लिया है तो अब फिर कोई बहाना नहीं चलेगा, आपने उसको करना ही करना है। क्लियर, दूसरा है, और देखिए क्योंकि जो टाइम का होता है ना कंसेप्ट, मैं आपको बताती हूँ कि जो टाइम का कंसेप्ट होता है, तो अगर आप सिर्फ टाइम बना रहे हो कि मैंने भाई 8 घंटे पढ़ाई करनी, तो आप क्या करोगे, आप घड़ी देखते रहोगे कि 8 घंटे, जैसे यार जान छूटेगी, 8 घंटे होते हैं तो जान छूटेगी, ख़त्म, तब भैया भूल जाओ कि एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा, नेवर, कभी नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आजकल चल रहा है लॉकडाउन, तो उसको आप टेंशन ना लीजिए कि ये लॉकडाउन है तो यार नहीं पढ़ेंगे, जब पेपर आएगा तो 15 दिन पहले देख लेंगे, नहीं, उसको आप लॉकडाउन को एक एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए कि अब आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरा दिन है पढ़ाई करने के लिए, अब आपको एग्ज़ाम पेपर मतलब क्लासेस में नहीं जाना, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप वर्किंग हो या कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको पूरा दिन मिल रहा है मीन्स पढ़ाई करने के लिए, पूरा दिन पूरा रात अब आपके पास है आप किताबों के साथ, ठीक है, तो आप जैसे मर्जी उसको यूटिलाइज कर सकते हो आपके टाइम को। और हाँ, आप डेली MCQs जो है वो भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आप जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको आप अप्लाई करने की कैपेसिटी आपको पता चले कि आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपने क्या करना है, आप जितने मर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी आप रट्टा मार लो, याद कर लो, बट अगर एट द एंड आपको उसे MCQ के फॉर्म में उसको अप्लाई करना नहीं आया, तो वो सारी आपकी मेहनत बेकार है। तो आपको डेली MCQs भी सॉल्व करते रहना है, ठीक है। थोड़े वो जो 5-10 MCQs हर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, उससे आपका जो है वो प्रिपरेशन भी चेक हो जाएगी कि आपको कितना समझ में आया है, और रिविजन भी ज़रूर करते रहें साथ साथ में, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद है स्टे अपडेटेड। अब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पुराने 1956 वाला कंपनी लॉ पढ़ी जा रहे हो, नहीं, उसके बाद अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है, आपको उन अमेंडमेंट्स को पढ़ना है। आपको अगर आपको पता है कि 2013 में कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ है, तो मुझे वो पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपको अपडेटेड रहना है। जैसे हायर एजुकेशन में कुछ यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि यूनिवर्सिटी के कौन सा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंकिंग में है, कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग जो होते हैं ना, जैसे कि मेडिकल फील्ड में कौन सा है, मैनेजमेंट में कौन सा यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है, वैसे तो वो आपको अपडेटेड रहना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी इस टाइम टॉप पे है, रैंक कर रहा है, ठीक है, अपडेटेड रहना। उसके बाद कुछ न्यू डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, MHRD के द्वारा, तो उनको भी आपने पढ़ना है, वहाँ पे भी अपडेटेड रहना है आपने। उसके बाद जो करंट अफेयर्स होते हैं रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन या एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ये कुछ नए आप लोगों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं या कुछ भी आपको इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पेपर 2 में मैंने जैसे बताया कि कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स होती हैं, या इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं,
ठीक है। इनकम टैक्स स्लैब जैसे आपको पता है कि इस बार भी चेंज हुआ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ है जैसे बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस में पॉलिसीज वगैरह चेंज होती रहती हैं, वो भी आपने अपडेट रहना है। फिर आजकल क्या है कि जॉइंट वेंचर का टाइम चला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल मोबाइल कंपनीज जो है वो आपस में मर्जर कर रही हैं, ठीक है, मर्ज हो रही हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी आपको अपडेट रहना है। बोलने की मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद है डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। अब आपने हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। तो जो मैथमेटिक्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स रीजनिंग हो गया या लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, तो उनको आपने ट्रिक्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मीन्स आप अगर उनके ट्रेडिशनल मेथड के साथ वैसे लंबा चौड़ा करते रहे कैलकुलेशन, तब लगेगा टाइम। आपको उसके शॉर्टकट मैथड्स, जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, वो ढूंढने पड़ेंगे, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और जल्दी से जल्दी, जिसको कहते हैं ना कि नो पेन नो पेपर मेथड, कि आपको बिना पेन से भी आप उसको कर पाओ, ठीक है। आपको उन ट्रिक्स की भी हेल्प लेनी है। उसके बाद जो पेपर वन और पेपर टू की स्ट्रैटेजी है वो देखिए, वो कैसे करना है आपने, कि पेपर वन में क्या करना है, आपने सारी यूनिट्स को चेक कर लेना है कि जो एग्ज़ाम में आ रही हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट बना लो कि जो पेपर में आ रही हैं, जो एनटीए ने पूछी हुई हैं, उनको शेड्यूल बनाओ, डेली टारगेट्स बनाओ कि उन यूनिट्स को आपने कंप्लीट करना है। मींस जो एनटीए पूछ रहा है, एटलीस्ट वो तो आपने करनी ही करनी है सबसे पहले, जो आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद है कि फर्स्ट कवर द डिफिकल्ट टॉपिक। आपने सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स को कवर कीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि मुझे डीआई नहीं आता, डीआई काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो सबसे पहले डीआई को सॉल्व कीजिए, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप उसको सीखो, उसको प्रैक्टिस करो डेली। आप वन और टू जो है वो डीआई सॉल्व करो, जो आरसी है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको अगर रीजनिंग नहीं आती है तो रीजनिंग को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा कि आप, अभी आपके पास टाइम है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, कि आप जल्दी से, अगर टाइम कम बचा होगा तो आप जस्ट उसको एक, जैसे बोलते हैं ना उसको, कि एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में वहाँ पे आप नोट्स बनाओ, ताकि आप जल्दी से, अगर 20 दिन पहले भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप जल्दी से उसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो ये होगी पेपर वन की स्ट्रेटजी। उसके बाद है पेपर टू कॉमर्स। पेपर टू कॉमर्स में आपको क्या करना है, आपने उन टॉपिक्स को कवर करना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वैसे ही, ठीक है। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नहीं छूटेंगे, एटलीस्ट जिनको एनटीए पूछता है, और वो पूछेगा उनमें से ही। क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, पर जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो घुमा फिरा के वही पूछा जाएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे आपको वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से। उसके बाद आपने क्या करना है, एटलीस्ट जो 10 यूनिट्स होती हैं उसमें से 7 यूनिट्स तो ऐसी प्रिपेयर करनी है कि वहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए उन यूनिट्स में से। आपको 7 यूनिट्स इतनी पक्की कर लेनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी को सब कुछ नहीं आता। जो JRF क्वालिफाई करके बैठे हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको भी सब कुछ नहीं आता, उनकी भी कोई यूनिट जो है वो वीक होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप अगर एटलीस्ट 7 to 8 यूनिट्स भी कर जाओगे ना, तो मैं बता रही हूँ JRF क्वालिफाई है आपका, ठीक है। पर आपने उस ढंग से करना है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं जाना चाहिए। जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं, उसको MCQ जो है वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एंड में आपको वही करना है। और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो पर्सन को, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आपको पता है ना कि नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब है 7th है, दैट इज़ रिविज़न रिविज़न रिविज़न। आपने सिर्फ रिवीजन रिवीजन ही करना है। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे जो है वो टॉपिक्स को बनाइए, ठीक है, उनके नोट्स बनाइए, उनको प्रिपेयर कीजिए, और सैटरडे संडे आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, जो आपने उन्हें 5-6 दिनों में पढ़ा है, 5 दिनों में पढ़ा है आपने, उसको रिवाइज कीजिए, उसके उससे रिलेटेड MCQs ढूंढने की कोशिश कीजिए। नेट पे हज़ारों MCQs आपको मिल जाएंगे, PDF डाउनलोड कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, चाहे कोई मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, तो आप उसको ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा, आपको जो रियल एनवायरनमेंट है ना एग्ज़ाम का, वैसा फील आएगा आपको। जब आप एक्चुअल में एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वहाँ पे डर नहीं लगेगा, और ऊपर से आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि कैसे मैंने जल्दी जल्दी से ये इन जो 300 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो कैसे मैंने उनको कैसे मैनेज करना है सब कुछ। उससे आपको क्या होगा कि आपको एक्चुअल लाइफ जो रियल एग्ज़ाम की कंडीशंस है, सिचुएशंस है, उनमें आप टाइम को मैनेज करने में एबल हो पाओगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, उससे रिवीजन भी करना है, ओके। तो
अब मैं आपके साथ जो बेस्ट बुक्स हैं पेपर वन की उनको डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, बट आप लोग ट्रूमेंस की बुक ले सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशंस की या केवीएस मदान की। तो अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने केवीएस मदान की बुक से ही पढ़ा था। और पूरा आप, अगर मैं आपको सच बोलूँ तो पूरा बुक्स के सहारे नहीं बैठा जा सकता। आप प्रॉपर अगर बुक के सहारे बैठोगे तो मे भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब तो अपडेटेड बुक आ गई है, अगर आपको ये केवीएस मदान की अपडेटेड बुक चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पे ये फ्री में एज अ पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी ई बुक, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हो फ्री। क्लियर? तो ये जो केवीएस मदान की बुक है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी ईजी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, आप इजीली उसको समझ सकते हो कि क्या बोला जा रहा है। तो मुझे तो केवीएस की अच्छी लगती है। और साथ साथ आपने जस्ट बुक्स के ऊपर ही नहीं डिपेंड रहना है, आपने साथ साथ ऑनलाइन भी चीज़ों की तैयारी करनी है, ऑनलाइन कंटेंट को भी ढूंढना है ताकि आपको जो चीज़ों की अच्छे से समझ जा सके टॉपिक्स की। क्लियर? उसके बाद आपको मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे कुछ पेपर टू कॉमर्स की बेस्ट बुक्स हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि जब मैं कॉमर्स की तैयारी कर रही थी तो मैंने इतनी सारी बुक्स तो नहीं पढ़ी थी, मैंने थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारी यूजी और पीजी की बुक्स होती हैं वो मैंने पढ़ी थी, तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कुछ प्रोफेशनल्स के द्वारा, ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये किसी प्रोफेशनल्स के द्वारा सजेस्ट की गई ये लिस्ट है, तो आप उन्हें देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये यूनिट वाइज मैं आपको बता देती हूँ। हमारी फर्स्ट यूनिट है कॉमर्स में बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो आपकी ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक होगी बिजनेस एनवायरनमेंट की, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। साथ साथ आपने इंटरनेट पे भी एक्सेस करते रहना है। उसके बाद है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो इसमें जो बेसिक अकाउंटिंग, पार्टनरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ये जो हमारी यूनिट्स हैं इनको आपने प्लस वन और प्लस टू की टेक्स्ट बुक से पढ़ना है बेसिक के लिए, जो कि आर एस अग्रवाल एंड टी एस अग्रवाल हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ी भी होती हैं, जस्ट एक बार आप रीड कर लोगे तो आई थिंक हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं इनको, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर है तो क्लियर है, आगे तक यही चलता है। उसके बाद है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये आपको ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक महेश्वरी एंड मित्तल जो इनके राइटर हैं ये आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद है एचआर अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एंड इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम एंड आईएफआरएस, तो इसको आप इंटरनेट की हेल्प से भी देख सकते हो। और जो मेरा चैनल है लेट्स इम्प्रूव योर सेल्फ, यहाँ पर आपको मैं इन टॉपिक्स की वीडियो पक्का जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, तो मेरे जो चैनल है उसके साथ भी बने रहिए। उसके बाद था ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग आपको ग्रेजुएशन की बुक से कवर कर लेना है। उसके बाद यूनिट थर्ड है दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसको अपने ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो दीपश्री द्वारा द्वारा लिखी गई है तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद है यूनिट फोर बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसको आप ग्रेजुएशन की बुक से फॉलो करो, विकीपीडिया से देखो या फिर यूट्यूब चैनल लेट्स इम्प्रूव योरसेल्फ जो कि मेरा चैनल है उससे भी पढ़ सकते हो। मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप अगर कोई पूछे ना कि कॉमर्स के लिए एक बुक, तो आई डोंट थिंक कि कॉमर्स को एक बुक से पढ़ा जा सकता है, वो होती है एक मोटी सी बुक, बट सच बोलूँ मैंने आज तक वो उसे नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो क्या। आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप ले सकते हो, वो मोटी सी बुक भी ले सकते हो वहाँ पे। उससे ये होता ही है कि वहाँ पे आपको उससे जो MCQs है ना वो मिल जाते हैं काफ़ी आपको वहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने कभी वो पढ़ी नहीं है, बट यस वहाँ पे MCQs हो सकते हैं शायद, और थोड़ा बहुत आई डोंट नो टॉपिक्स भी होते होंगे, उतने ब्रॉड तो नहीं एक्सप्लेन होंगे बट थोड़े बहुत आपको बेसिक्स। ठीक है, तो वो देख लीजिए। उसके बाद है यूनिट फाइव बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, तो इसमें है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जो बुक है दैट इज़ जेके ठाकुर के द्वारा लिखी है, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। और रिसर्च मेथड्स के लिए है ग्रेजुएशन की CR कोठारी, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत अच्छी बुक है रिसर्च मेथड्स की CR कोठारी की, तो आप इसे पक्का फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी बुक है, आपके कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है यूनिट सिक्स दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपने ग्रेजुएशन की बुक लेनी है दैट इज़ CB गुप्ता एंड FC शर्मा के द्वारा जो लिखी है, एंड देन HRM लेनी है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है दैट इज़ VSP राव, ठीक है, उसके राइटर हैं, इसे आप फॉलो कर सकते हो। देखिए कोई पक्का नहीं है कि आपने यही करनी है, बट जस्ट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि मैम प्लीज़ बताइए बताइए बताइए, तो ये लिस्ट स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं है करने आपने यही फॉलो करना ही है, बट यू कैन। ठीक है, उसके बाद है यूनिट सेवन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बैंकिंग के लिए आपको इंटरनेट से बैंकिंग के
जो नोट्स थे वहाँ से ले सकते हो, या फिर मैं अपने चैनल पर भी इस यूनिट को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, तो आप यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हो। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट को आपने पीजी को जो बुक है दैट इज़ फिलिप टी कॉटलर, गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग एंड प्रफुल्ला अग्निहोत्री, ये राइटर हैं, तो इनकी बुक आप देख सकते हो। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मुझे तो ये भी बहुत अच्छी लगी, ठीक है, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है, तो आप यहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। देन यूनिट 9 है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, तो इसको आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये तो मैंने अपने चैनल पर भी आपको पढ़ा दिया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स, तो इसको आपने ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक का नाम था बिजनेस एंड इंडस्ट्री लॉ, दैट इज बाय एलसी मित्तल, जीके कपूर एंड रीना चड्ढा, तो इनके द्वारा जो बुक है दी हुई, तो आप इससे भी आप स्टडी कर सकते हो। देन कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी कंपटीशन एक्ट 2002, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसको आप ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक कंपनी लॉ, जिसका ये भी अच्छी बुक है, तो आप कंपनी लॉ से उसे कवर कर सकते हो। डेट इज़ एमसी कुचल, सुमन चड्ढा एंड रीना चड्ढा, ठीक है, जो इसके राइटर हैं। उसके बाद है IPRS, GST, RTI, उसे आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आपको मैं इसे अपने चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी इसकी वीडियोस, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 10 दैट इज़ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो इनकम टैक्स के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन लेवल की टेक्स्ट बुक, इनकम टैक्स बाय गिरीश आहूजा या टैक्समैन, इसके राइटर हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है हमारी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग बाय JCN निखिल गुप्ता, आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये चैनल, आप एक बार उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, एकदम इजी वे में होता है कंटेंट, एकदम जो हमारे लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए डेली MCQ प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको PDF भी वहाँ पर मिल जाते हैं हमारे जो नोट्स हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।